नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हेमा मालिनी के बर्थडे पर जया बच्चन ने पेपराजी के लिए किया पोज, फिर अचानक हुई नाराज, कहा ज्यादा डायरेक्शन मत दीजिए। जया बच्चन मीडिया में अक्सर अपने खराब मूड के लिए चर्चा बटोरती हैं। एक्ट्रेस पेपराजी को देख आग बबूला हो जाती हैं, फिर उन्हें फटकार लगा देती हैं। अब हेमा मालिनी के बर्थडे पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। हालांकि इस बार जया बच्चन मुस्कुराते हुए नजर आईं। हेमा मालिनी ने बीते दिन अपना 75वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस खास मौके पर एक्ट्रेस ने मुंबई में एक ग्रैंड पार्टी भी रखी, जहाँ लगभग पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। इनमें जया बच्चन का नाम भी शामिल है। हेमा मालिनी के बर्थडे से अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पद्मनी कोल्हापुरी के साथ नजर आ रही हैं। जया और पद्मनी दोनों पेपराजी के सामने आईं और कई सारी फोटो क्लिक करवाईं। इस दौरान जया बच्चन बेहद खुश नजर आ रही थी। उन्होंने पेप से कहा, ये पद्मिनी मुझे यहाँ लेकर आई है। इस पर पेपराजी ने जवाब देते हुए कहा, जया जी को लाना बहुत मुश्किल है। जया बच्चन और पद्मनी कोल्हापुरी दोनों ने स्माइल करते हुए कई तस्वीरें क्लिक करवाई। इस बीच पेपराजी एक्टर्स को कैमरे की तरफ देखने के लिए कह रहे थे, जिस पर जया बच्चन अचानक भड़क गई और कहा, अभी आप लोग इतना डायरेक्शन मत दीजिए, पार्टी से अब एक्टर्स का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हेमा मालिनी के बर्थडे पर मुंबई में हुई इस पार्टी में जया बच्चन और पद्मनी कोल्हापुरी के अलावा धर्मेंद्र, ऐशा देओल, सलमान खान, रानी मुखर्जी, रवीना टंडन, विद्या बालन, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, राकेश रोशन, तुषार कपूर, रेखा, माधुरी दीक्षित और शिल्पा शेट्टी भी शामिल हुई। पार्टी के कई इनसाइड वीडियो और फोटो सामने आए हैं। बर्थडे पर हेमा मालिनी ने मीडिया के सामने बर्थडे केक भी काटा। न्यूज 9 भारत के लिए अशोक चौहान की रिपोर्ट। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।